तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। माय नेम इज जिमी और आप देख रहे हैं टॉक्सिक मार्वल यूट्यूब चैनल। हाँ, तो एज एसआरके फैन मुझे तो पता भी नहीं था कि एसआरके कोई जवान नाम की मूवी आ रही है, जिसका आज ही कोई टीजर आया और ये टीजर काफी ज्यादा दमदार था। मैंने तो इसे कोई देशभक्ति वाली फिल्म का टीजर समझ कर चला दिया था, लेकिन जब शाहरुख खान की वो विलन वाली हंसी आई तो मेरे तो भाई पसीने छूट गए। क्या जबरदस्त लुक लिया है, ये लुक तो मुझे पठान से भी ज्यादा पसंद आया शायद। और ये टीजर देखकर तो पता चल ही गया कि ये मूवी पुष्पा, केजीएफ और आरआर के लेवल की होने वाली है। मैंने लेवल बोला, मैंने यूं नहीं बोला कि उनसे अच्छी, वैसे हो भी सकती है। ये एक पैन इंडिया मूवी और इसे डायरेक्ट भी अतली कुमार कर रहे हैं, जो कि तमिल इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर हैं। ये विजय थालापति इन्हें तो आप जानते ही होंगे, इनकी काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी इन्होंने ही डायरेक्ट करी है। यूं मान लो कि ये विजय थालापति के लिए रोहित शेट्टी है अक्षय कुमार वाले। वैसे अक्षय कुमार से याद आया, कल पृथ्वीराज भी रिलीज हुई थी, तो कैसी है मुझे जरूर बता देना। हाँ, तो वापस आते हैं जवान पर। अभी ज्यादा कुछ तो रिवील नहीं किया गया, बस एक ऑफिशियल टीजर ही रिलीज हुआ है और कुछ कंफर्मेशन आई है, जैसे कि ये मूवी इंडिया की हर लैंग्वेज में रिलीज होगी और इसकी हीरोइन का रोल करेंगी तारा, जो कि अपनी एक्टिंग के दम पर जानी जाती है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसमें हमारी हीरोइन क्यों नहीं ली, दीपिका, अनुष्का, ये सब क्या कम पड़ गई थी? पर ऐसा नहीं है, बल्कि अभी इंडिया में वो वक्त नहीं आया कि इंडिया की हर मूवी को इंडियन मूवी कहा जा सके, बल्कि जितनी भी मूवी इंडिया से निकलती है उन्हें हॉलीवुड की मूवी, साउथ की मूवी, नॉर्थ की मूवी कहा जाता है अभी तक। तो इसीलिए हर जगह से एक एक एक्टर उठाओ ताकि मूवी इंडियन मूवी बन सके। और हाँ, रही इस मूवी की बात, तो ये 2 जून 2023 को आएगी, मतलब 2022 में एसआरके को देखना नसीब में ही नहीं है। पठान 2023 में आएगी, डोंकी का भी कुछ कह नहीं सकते, पर हाँ इस टीजर के बारे में जरूर कह सकते हैं ये बवाल था। तो बस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।